नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मामूनी शाह खां। मामूनी शाह खां को आप जानते हैं कि समाज सेवी हैं और पालिका अध्यक्ष पति हैं। पिछले दिनों बहुत सी बातें हुई हैं, बहुत सी चर्चाएं हुई हैं, आज उनको लेकर कुछ बातें करना है और जिस तरह से डेंगू ये सब कुछ फैला हुआ है उसके बारे में कुछ जानकारी देना। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। शाह साहब, इस वक्त जो डेंगू की हालत है जो शहर के अंदर, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लोगों का आरोप यह है कि ये गंदगी की तरह ऐसा फैल रहा है, क्या कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हर साल डेंगू की बीमारी होती है, लेकिन इस बार हुई है उस बीमारी होने से पहले और उस महामारी से पहले हमने यहाँ लगातार फॉगिंग, डेढ़ महीने से लगातार फॉगिंग हो रही है पूरे नगर पालिका क्षेत्र में। 43 लगातार फॉगिंग कराई जा रही है। समय समय पर हमारे सभी लगे हुए हैं, सफाई नायब भी लगे हुए हैं, एक एक वार्ड में, एक एक गली और एक एक घर पर जाकर फॉगिंग कराई जा रही है। अब पालिका चेयरमैन ने अभी 17 मशीनें जो हैंड हेल्ड चलाती है छोटी वाली, वो मशीनें बनाई, उससे हमें यह आसानी हो रही है कि हम उन गली में जहाँ पर छोटा हाथी टेम्पू नहीं पहुँच पाता, 5 टेम्पू हमें लगा दिए गए हैं। हर और हमने नई पहल शुरू करी है, स्कूलों में भी फॉगिंग करा रहे हैं। जहाँ ग्राउंड है, जहाँ पर कहीं भी देख रहे हैं कि ग्राउंड है, बड़ी बड़ी कहीं घासें हैं या छोटी घासें हैं, वहाँ भी लगातार हम, तो मैं खुद जाकर फॉगिंग करा रहा हूँ। जो भी मुझे फोन करता है मैं लगातार वहाँ गाड़ी भेजता हूँ, फॉगिंग कराता हूँ। 5 बजे से 7-8 बजे तक हमारी लगातार रोज़ हमारा रात शाम तक रहता है फॉगिंग करते हैं। और मेन रोड पर जैसे शबाब गेट से हम दिल्ली तक या उधर नवाब गेट से लेके और जेल रोड तक और जेल तक उधर नाला पार होते हैं, मतलब रोडों पर अलग चलता है हमारा काम, गलियों मोहल्लों में और घरों में अलग हम फॉगिंग करा रहे हैं। मेरी लारवा जो दवाई है वो भी लगातार ठंडवाई जा रही है। हमें हमारे सभासद जो मेम्बर है नगर पालिका परिषद के, वो हमारा साथ दे रहे हैं, उसमें वो सभासद भी लगे हुए हैं और सफाई नायक को ट्रेनिंग दे दी गई है, सफाई नायक भी लगातार काम कर रहे हैं। आप जब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तो इस बात का भी जवाब आपसे हमें चाहिए, जो एक अफवाहें हैं कि सभासद और चेयरपर्सन के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इसके बारे में क्या है? ऐसा कुछ नहीं, सभासद हमारा, सभी सभासद एक जो नहीं, सभी सभासद हमारा सब साथ दे रहे हैं, लगातार हमारे संपर्क में रहते हैं। वो मुझे फ़ोन करते हैं, मैं उन्हें फ़ोन करता हूँ। छोटी मोटी समस्या अगर होती है उनकी तो वो खुद कर लेते हैं, अगर कोई ऐसी बात होती है तो मुझे फ़ोन करते हैं, मैं भी तुरंत उनके काम के लिए हाजिर रहता हूँ। क्योंकि सभासद भी पब्लिक का काम कर रहा है, जनता का काम कर रहा है, जनता के बीच में रहते हैं। वो कभी देखिए शिकायत को कोई भी कर रहे हैं, और शिकायत तो कोई भी कर सकता है। बहुत से लोग मेरे मुखालिफ होते हैं, बहुत से लोग सभासदों के मुखालिफ होते हैं, वो अलग अलग तरह से फोन करवाते हैं लोगों से, कितना हमारा सभासद भी काम नहीं कर रहा है, कोई चेयरमैन का आरोप लगाता है, कितना चेयरमैन काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कभी देखिए जो काम जिस स्तर का है, सभासद के स्तर का जो काम होता है, सभासद बराबर लगातार कर रहे हैं। और मैं देखता हूँ बाहर कुछ सभासद ऐसे हैं, ज़्यादातर सभासद कि वो अपने काम में इतने परफेक्ट हैं कि मुझे देख के और उनसे ऊर्जा मिलती है कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत से अभी बीच में 2 बार बारिश का लाभ हिस्सा लिया, उसमें सभासद हमारे ने साथ दिया हमारा, हाँ सभासद लगातार लगे रहे हैं। जहाँ जहाँ भी कोई समस्या आती है सभासद लगे रहते हैं हमारे साथ, कोई हमारा इख्तलाफ किसी से नहीं है, हमारे बीच हर वक्त रहते हैं, हमारे बीच है, हमारे बीच है। कभी वो बुलाते हैं मैं फौरन फौरन पहुँचता हूँ, कभी मुझे जरूरत होती होगी तो मैं वो मेरे पास आता हूँ। अच्छा, आप मेरे इस सवाल का सही से जवाब दे पाएंगे कि अभी जो पिछले दिनों जैसे एक दिन की बारिश के अंदर जो पानी की निकासी की परेशानी हुई, ये क्यों हुई? नाले छोटे होने की वजह से, नाले इतने छोटे हो गए हैं, इतने चोक हो गए हैं कि नाले, अच्छा पिछली बार यूँ हुआ कि बहुत से एरियो में सफाई पिछले 10 साल 15 साल के नालों की सफाई नहीं हुई। बाद एरिया तो ऐसा है कि वहाँ पर नाले पे आप खड़े हो जाएंगे, 2-3 लोग खड़े हो जाएंगे और नाले पे कुछ अंदर आके नहीं जा पा रहा नाले के, मतलब इतनी मिट्टी और कई के फिट मिट्टी इतनी जमीन होती है बाद नालों में कि आदमी लोगों को वहाँ, बच्चों को नहीं मालूम कि 15 साल के बच्चे कि यहाँ नाला है ग्राउंड में, ये हाँ था नालों का। और हम लगातार सफाई करा रहे हैं, पिछले साल शटरिंग तक फंस हुई है नालों में, जब उस सरकार में जो काम हुआ, बहुत सरकारों में काम हुआ, उनमें ये हुआ कि ठेकेदारों ने जो भी काम किया नालों का, तो उसमें शटरिंग उन्होंने ऐसी छोड़ दी और पार बंदी ऐसी छोड़ दी कि उनको कोई मतलब नहीं था, उनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं था, उन्हें अपना अपना पैसा कमाना था, अपना काम करना था, उन्होंने जैसा कैसे काम करके उसे निपटाया और नुकसान जनता को हुआ। लेकिन इंशाल्लाह
हमारी पूरी कोशिश है। इस बार भी हम लगातार सफाई करा रहे हैं, पहले दिन से सफाई चल रही है, दो तीन महीने से लगातार नालों की सफाई चल रही है, और जो बाकी जो बची हुई कमियाँ हैं, जो कमियाँ हैं वो इंशाल्लाह हम सब कमियों को दूर किया जाएगा, क्योंकि साल की 15 साल की जो कमियाँ हैं। आखिरी सवाल है, लेकिन आने वाली बरसात के लिए क्या इंतजाम? कोई कमी नहीं होने दी जाएगी किसी भी काम में, लगातार नालों की सफाई होगी, गली खार सफाई होगी, पूरा प्रयास है, पूरा प्लान तैयार कर रखा है सब लोग, और अब भी हमने किया, लेकिन अब बारिश ऊपर वाले का अन्ना का जो रकम होता है वो होता है, बारिश इतनी पड़ गई और उन नालों को बहुत से नाले ऐसे थे जो चौक थे, बहुत से नाले ऐसे थे जो छोटे थे, जिससे पानी ज़्यादा पड़ने के पूरा सिस्टम ख़राब था, उन सिस्टम को सही करने में थोड़ा समय लगेगा, और आप रामपुर जनता से मुझे सहयोग चाहिए, रामपुर की सभा से मुझे सहयोग चाहिए, मेरा साथ है, मेरा सहयोग करें तो इंशाल्लाह बिल्कुल सही होगा। मामू शाखा का देखा गया कई जगह पे बहुत अंधेरा रहता है, लाइटों की व्यवस्था जो है थोड़ी ठीक ठाक नहीं है, क्या कर रहे हैं? बहुत सी जगहों पे रामपुर में बहुत सी जगहों पे जहाँ अंधेरा रहता है वहाँ हमने स्ट्रीट लाइटें लगाने का इंतजाम किया है नगर पालिका परिषद की तरफ से, और जहाँ उस एरिए के जो भी सभासद हैं हमने उनसे भी कहा है कि मेरे में जैसे नवाब गेट जो स्टेट बैंक से लेके और अस्पताल तक जहाँ तक अंधेरा रहता है वहाँ पर मैंने वहाँ पर दो लाइटें लगवाई हैं और कोशिश कर रहा है कि और लाइटें बता नसीबा खान में लगातार अंधेरा रहता है, मेरे जमाने से देखता रहता है जी, हज़ार मान की सका हज़ार रात को अगर दुकान बंद होने के बाद अंधेरा रहता है, वहाँ भी हमने कहा है कि हम बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर भी वहाँ के कुछ एरियो के सफर सर्विस स्टार्ट मिल गए तो प्लान तैयार करें और वहाँ कंप्यूटर लाइट कर, बहुत सी जगहों पर देखा गया है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वहाँ भी पता चला है, बहुत सी जगहों पर देखा गया है कि वहाँ पर लोगों का कनेक्शन नहीं है, जब वो अपनी फाइल लेके जाते हैं कनेक्शन कराने किसी भी बिजली घर पर तो ये कह दिया जाता है कि साहब आपका बिजली नहीं जा सकता, आपके घर की दूरी जो है 40 किलोमीटर से ज़्यादा है, ये कहाँ का रूट है कि जो नया नया रूट दिल्ली और दिल्ली और ये दिल्ली भाग के लोग बताते हैं, अगर आप 40 मीटर ज़्यादा होगा तो एस्टिमेट करेंगे क्यों बनेगा, एक तो इंसान अपना 20 मीटर लगवा रहा है, ऊपर से वो एस्टिमेट जो भी एस्टिमेट है वो बता देंगे, तो एक गरीब आदमी अपना मीटर लगवा रहा है ये बहुत बड़ी बात है, अब उसको कह जाता है कि साहब आपका इंस्ट्रूमेंट 40,000 का बनाए, 50,000 का बनाए, सारा पूरी तरह सरासर जाती जनता के साथ उन लोगों के साथ जाती है जो गरीब लोग हैं जो अपना मीटर लगवाना चाहते हैं। मेरी मांग है, मैंने कई बार कई जगह शहर में ये कराया भी है कि जहाँ खंभे नहीं थे वहाँ पर मैंने खंभों का भी इंतजाम कराया है, और मैं चाहता हूँ कि जिन एरियो में और जिन बिजली घरों के एरियो में जहाँ पर बिजली के मीटर की समस्या है और ये दिल्ली अधिकारी उनके ताला बटोल करते हैं, उन्हें जल्द से जल्द मीटर लगवाया जाए, जो भी लोग लगवाना चाहते हैं अपना मीटर वो लगवाया जाए, और जहाँ खंभे नहीं है वहाँ खंभों का भी इंतजाम कराया जाए, स्ट्रीट लाइटों का तो हमने प्लान तैयार कर लिया, स्ट्रीट लाइटों को भी हमने तैयार कर लिया कि हम जहाँ जहाँ स्ट्रीट लाइटें नहीं लगेंगी वहाँ सब जगह लगाएंगे, रामपुर शहर में किसी जगह अंधेरा नहीं लगेगा इंशाल्लाह। नवाब रोड पर देखा है हमने नई स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं अपने वहाँ पर, बहुत अच्छी स्ट्रीट लाइट लगी, लोग पसंद है, लोग जा रहे हैं वहाँ देखने के लिए, उसी तरह की लाइटें हमारे शहर में भी, उसी तरह की लाइटें बाजार में भी, उसी तरह की लाइटें सलाफे में भी, सब तरह उस तरह की लाइटें लगवाई जाएंगी जिससे लोगों को अच्छा भी लगे और रोशनी भी लगे। हाई मास लाइटों के बारे में ये कंप्लेंट है कि बंद रहती हैं, आप हाई मास के लिए बंद रहती थी इसी बात है, पहले बंद रहती थी, अगर 100 हाई मास हैं 50 हाई मास हैं तो उसमें 90% हाई मास बंद रहती, लेकिन आज आप जाके देखिए शहर का सर्वे करिए 95% हाई मार्क्स से बिल्कुल सही हो गई, अब एक आध जगह कोई परेशानी है कि सही होने के बाद ख़राब हो गई वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं खुद जाके देखता हूँ और खुद जाके खड़ा होकर कराता हूँ, हाई मार्क्स सब जगह लगभग सही हो गई। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें।